i hope you all are fine and doing good in your studies this is your it teacher mrs preeti malik welcome you to my class as you all know that we have started unit number 4 from employability skill and that is entrepreneurship skills and we have learnt about two sessions of entrepreneurship skill last session which we have discussed about was the values of a successful entrepreneur which values should be required to be a successful entrepreneur

एक ऑनटरप्रीनियर जो होता है बिजनेस पर्सन जो होता है उसका एटीट्यूड उनके बिजनेस को चलाने में जो वो एक्शंस लेते हैं जो काम वो करते हैं उनका एटीट्यूड उनके काम को उनके बिजनेस को बहुत से तरीके से अफेक्ट करता है लेटेस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द एटीट्यूड ऑफ एन ऑनटरप्रीनियर एंड एन एम्प्लॉय चलिए समझने की कोशिश करते हैं एक ऑन्टरप्रीनियर के एटीट्यूड में और एक इंप्लॉय के एटीट्यूड में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इम्प्लॉय क्या होता है जो किसी और के लिए काम करता है और जिसके लिए उन्हें सैलरी मिलती है सो डिफ्रेंस बिटवीन द एटीट्यूड ऑफ ऑनटर एंड एम्प्लॉय सबसे पहले एटीट्यूड किस तरह से उनका एटीट्यूड होता है वो खुद पर विश्वास करते हैं क्योंकि उन्हें किसी को रिपोर्ट नहीं करना होता वो अपने खुद के डिसीजन के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सो वेन एन ऑनटरप्रीनियर स्टार्टिजनस देर आर ए फ जब भी कोई ऑन्टर कोई बिजनेस पर्सन है अपना नया बिजनेस शुरू करता है कुछ ही लोग होते हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं देर इज नो मैनेजर और बॉस वो एनकरेज और सपोर्ट वेन थिंग्स गैट डिफिकल्ट उनके लिए कोई मैनेजर नहीं होता उनका कोई बॉस नहीं होता जो इन्हें कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए उसमें एनकरेज करे या फिर उन्हें सपोर्ट करे देर फॉर एन ऑन्टरप्रीनियोर बिलीव इन सेल्फ सो दैट दे कैन कॉन्फिडेंटली फेस एनी चैलेंज एंड बिकम सक्सेसफुल इसीलिए जो ऑनडोपिनियन होते हैं वो अपने आप में विश्वास रखते हैं कॉन्फिडेंट रखते हैं अपने आप में अपने आप में अगर उनके सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए कोई भी चैलेंज आ जाए तो वो उसे क्लियर कर पाते हैं ओवरकम कर पाते हैं उन चैलेंजेस को और सक्सेसफुल होते हैं उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है एम्प्लॉय का एटीट्यूड क्या होता है एन एम्प्लॉय यूजली इज मैनेज बाय समवन वो हेल्प हिम और हर और एंड सपोर्ट हिम और हर वैन ही और शी स्टार्ट द जॉब इम्प्लॉ क्या होता है यूजली किसी और के द्वारा मैनेज किया जाता है कोई और होता है जो उन्हें हेल्प करता है उन्हें सपोर्ट करता है जब भी वो अपनी जॉब है स्टार्ट करते हैं ही और शी इज ऑल्सो गिवन ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू द वर्क एंड वाट टू डू वन थिंग्स गेट डिफिकल्ट जो भी पर्सन है नई जॉब स्टार्ट करता है तो उन्हें स्टार्टिंग में ट्रेनिंग दी जाती है अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता काम के बारे में उन्हें समझाया जाता है और अगर कोई भी चीज़ें हैं डिफिकल्ट हो जाती हैं तो उन्हें गाइड किया जाता है तो ये होता है बिलीफ इन सेल्फ में इम्प्लॉई जो होते हैं उन्हें किसी और को रिपोर्ट करना होता है उन्हें हेल्प मिलती है उन्हें सपोर्ट किया जाता है कोई भी सिचुएशन जब आती है ऑन्टरप्रीनियर को अपने डिसीजन खुद लेने होते हैं उन्हें किसी को रिपोर्ट नहीं करना पड़ता इसलिए वो खुद में विश्वास रखते हैं नेक्स्ट थिंग जो एटीट्यूड आता है दैट इज पॉइंट नंबर टू दैट इज कस्टमर फोकस जो ऑन्टप्रीन्योर होते हैं वो अपने कस्टमर्स पर फोकस करते हैं कि वो कैसे उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं सो so, एन entrepreneur इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that द बिजनेस दे आर डूइंग adds value टू द कस्टमर एन ऑन्टरप्रीनियर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उत्तरदायी होते हैं उस चीज के लिए कि वो अपने बिजनेस के द्वारा कस्टमर्स को कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विज टू द कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जो ऑन्टरप्रीनियरशिप होती है उसका सबसे जरूरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करना एंड ऑन्टरप्रीनियर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग हिज और बिजनेस एथिकली फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाई द गवर्नमेंट इसके अलावा जो बिजनेस पर्सन होता है ऑन्टरप्रन्यर होता है वो इस बात के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो एथिक्स हैं रूल्स हैं रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं उनको फॉलो करते हुए वो अपना बिजनेस चलाए नेक्स्ट थिंग आती है अबाउट एम्प्लॉय एन एम्प्लॉय डिलीवर्स ऑन द गोल्स सेट बाय द कंपनी एम्प्लॉय जो होता है उन्हीं गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है जो एक कंपनी के द्वारा सेट किए गए हैं वो उनके खुद के एम्प्लॉय के गोल्स नहीं होते हैं नॉट ओल इम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी वर्क टू आर सर्विंग सर्विंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर डायरेक्टली जितने भी इंप्लॉय होते हैं किसी भी कंपनी की वो डायरेक्टली कस्टमर्स की जरूरतों को या नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करते हैं दे मे नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टूआर्स द कस्टमर्स कस्टमर के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट नहीं होती है क्योंकि जो कुछ भी वो सर्विसेज करते हैं वो अपने तरीके से प्रोवाइड करते हैं लेकिन जो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी पर्टिकुलर इम्प्लॉय की नहीं होती ऑन द अदर हैंड जो ऑन्टरप्रीन्यर होते हैं उनका कस्टमर से डायरेक्ट रिलेशन होता है वो कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करें या ना करें उन्हें अच्छी क्वालिटी की गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करें ये ऑन्टरप्रीन्यर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बाद नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग एंड डिसाइड द काइंड ऑफ वर्क दे दे विल विल डू डू एंड हाउ इट देर डिसाइड करते हैं वो किस तरह का काम करे उस काम को वो कैसे करेंगे दे मेक एंड वर्क वर्क कंप्लीटिंग द वो अपने आप से डिसीजन लेते हैं और उसके बाद उस काम को कंप्लीट करने के लिए फर्दर एक्शंस लेते हैं यूजअली एम्प्लॉय केसेस में क्या होता है यूजुअली ए मैनेजर और द बॉस मेक्स द डिसीजन फॉर एम्प्लॉय

एक ऐसे में काम करते हैं जिसके बारे में उन्हें नॉलेज नहीं होती है कि अगर वो कुछ नया शुरू करेंगे तो उसके बाद क्या सिचुएशन हो सकती हैं, क्या उसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं क्या उसके फायदे हो सकते हैं देर फॉर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑन्टरपिनियर टू रिमेन पॉजिटिव एंड बिलीव दैट द मार्केट इन्वाज इसलिए उन्हें इन ऑनटरप्रीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो हमेशा पॉजिटिव रहें अपने आप में विश्वास रखें कि जो मार्केट इन्वायमेंट है वो उनके अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है ऑन द अदर हैंड इम्प्लॉय क्या करते हैं इम्प्लॉयज जॉब इज फोकस्ड इंटरनली एंड इज नॉट यूजली अफेक्टेड बाय द आउटसाइड इन्वॉर्मेंट जो इम्प्लॉय होती है उनकी जॉब मेनली फोकस की जाती है इंटरनल बेसिस पे बाहर क्या चल रहा है मार्केट में का क्या इन्वायमेंट चल रहा है वो डायरेक्टली इंप्लॉय पे अफेक्ट नहीं करता एम्प्लॉय को देर फॉर द बिलीफ चेंज इज नॉट नेसेसरी फॉर एन एम्प्लॉय टू गेट वर्क डन इसलिए जो इन्वॉमेंट है वो एम्प्लॉय किस तरह से काम करेगा उसके लिए वो कुछ नेसेसरी नहीं होता है ऑन द अदर हैंड जो ऑन्टरप्रीन्योर होता है उन्हें मार्केट में क्या चल रहा है किस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी हो रही है हर चीज के बारे में उन्हें नॉलेज रखनी पड़ती है लेकिन जो एम्प्लॉय होता है वो इंटरनली बेसिस पे काम करता है उनका फोकस नहीं होता है कि बाहर की इन्वायमेंट कैसे उनकी जॉब को अफेक्ट कर कर सकता है ये उन्हें जरूरत नहीं होती ये कंपनी को डिसाइड करना होता है नेक्स्ट दी गई है रीडिंग द स्टोरी स्टोरी बताई गई है एक ऑन्टरप्रीनियर की हेयर आर द स्टोरीज ऑफ सुरभि दिन एंड आकाश द एम्प्लॉय यहाँ पे दो स्टोरी दी जा रही है एक सुरभि है जो कि एक ऑंटरप्रीनियर है और सेकंड पर्सन है आकाश जो एक एम्प्लॉय है जो किसी और के लिए काम करता है रीड द स्टोरीज एंड थिंक अबाउट हाउ देर वैल्यूज एंड एटीट्यूड ईच अदर उनकी स्टोरी को पढ़ के और सोचने की कोशिश करते हैं कि उनके वैल्यूज और एटीट्यूड में कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से क्या डिफरेंसेस हैं उनके एटीट्यूड में और वैल्यूज में सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट द पेंटरपीनियर सुरभी है सुरभि को हमेशा से ही आर्ट और पेंटिंग्स बनाना बहुत पसंद था सी स्टार्टिंग उसने अपना बिजनेस किया अपनी दे ऑल लाइक देंटिंग सेल मोर उन सभी ने उसको बोला कि उन्हें उनकी पेंटिंग बहुत पसंद है और सुरभि को बोला कि वो क्यों ना अपनी पेंटिंग्स को और ज्यादा बेचना वो शुरू करे और ज्यादा पेंटिंग्स वो बनाए सुरभि टू के लोन फ्रॉम द बैंक टू बाई मोर आर्ट सप्लायज सो दैट सी गुड मेक मोर पेंटिंग्स उसके बाद सुरभि ने बैंक से लोन लिया ताकि वो आर्ट से रिलेटेड और ज्यादा सामान ले सके और, और ज्यादा वो पेंटिंग्स बना सके सी वेंट टू डिट कमस्टैंड वर्ट देट मेड पेंटिंग्स बेस्ड ऑन देयर टेस्ट उसके बाद वो क्या करती थी कस्टमर्स के पास जाती थी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती थी समझने की कोशिश करती थी कि कस्टमर को क्या चाहिए और उसके बाद कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग वो पेंटिंग्स बनाती थी जहाँ पे लोग आते हैं और सीखते हैं कि वो अपने फ्री टाइम में कैसे पेंटिंग कर सकते हैं सी ऑल्सो फ्रीक्वेंटली पोर्ट अप एग्जीबीशन फॉर हर वर्क इन डिफरेंट प्लेस इसके अलावा वो टाइम टू टाइम एग्जीबीशंस भी रखती रहती है अलग अलग प्लेस पे अपने आर्ट के बारे में अपने काम के बारे में उसके बाद नेक्स्ट बात करती है आकाश के बारे में जो एक एम्प्लॉय है आकाश वर्क्स एट द shop एंड सेल्स आर्ट सप्लाइज। आकाश एक शॉप पे काम करता है जो जहाँ पे आर्ट सप्लाइज का सामान बेचा जाता है. His job is to arrange paint brushes, colors and papers in different shelves. उसका काम क्या है जो पेंट ब्रशेस है, होते हैं, कलर्स होते हैं, पेपर्स होते हैं उन्हें अलग-अलग सेल्स में अरेंज करके रखना. He goes to work at 9 9 am and finishes by 4 pm. वो सुबह 9 बजे अपनी जॉब पे जाते हैं और शाम को 4 बजे तक अपनी जॉब फिनिश करते हैं.

आकाश के जो बोस है वो डिसाइड करते हैं कि मंथली बेसिस पे आकाश को क्या काम करना है उसके बाद एक टेबल दी गई है वट डू यू थिंक इज द डिफरेंसिस इन एटीट्यूड ऑफ सुरभि एंड आकाश आपको बताना है सुरभि और आकाश के एटीट्यूड में क्या क्या डिफरेंसेज हैं राइट विध एग्जाम्पल एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है ये जो टेबल दी गई है ये आपको फिलअप करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सुरभि के बारे में लिखना है सुरभि के अंदर क्या क्या एटीट्यूड है एग्जाम्पल के थ्रू और उसके बाद आकाश के बारे में बताना है और उनको कंपेयर करना है कि उन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेज हैं उसके बाद आती है हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज विच इज एक्टिविटी बेस्ड इसमें आपको क्या करना है दो पर्सन का इंटरव्यू करना है एक इम्प्लॉय जो दूसरे पर्सन के लिए काम करता है और एक ऑन्टरप्रीनियर जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उसके बाद आपको कोशिश करनी है ये जानने की कि उनके एटीट्यूड के अंदर क्या क्या डिफरेंसिस हैं उसके बाद आपको इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं वट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्वालिटीज एंड वैल्यूज ऑफ एन ऑनटरप्रनियर एंड इम्प्लॉय आपको बताना है क्या मेजर डिफरेंसेज हैं क्वालिटीज और वैल्यूज में एक ऑन्टरप्रीनियर के और एक इम्प्लॉय के

एन ऑनटरप्रीनियर रिपोर्ट टू द बोस और ए मैनेजर जो ऑन्टर होता है वो रिपोर्ट करते हैं अपने बोस और मैनेजर को सेकेंड स्टेटमेंट है एन एम्प्लॉय टू अडेप्ट मार्केट वाइल डूइंग द जॉब जो एम्प्लॉय होता है उन्हें बाहर मार्केट में क्या चल रहा है मार्केट के इन्वामेंट के अकॉर्डिंग अपनी जॉब करनी होती है मार्केट को अडेप्ट करना होता है एन ऑनटरप्रनियर हैजू ऑलवेज थिंक अबाउट व कस्टमर वॉन्ट्स एक ऑन्टरप्रीनियर को हमेशा ये सोचना पड़ता है कि कस्टमर क्या चाहते हैं फोर्थ स्टेटमेंट uh, है एन एम्प्लॉय मेक्स ऑल द डिसम सेल्फ और हर सेल्फ एक एम्प्लॉय होता है वो हमेशा अपने डिसीजन खुद लेते हैं अपने आप के लिए कि वो क्या करना चाहते हैं कैसे उनको करना है तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है उसके बाद आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिफाइन द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड एटीट्यूड का क्या मीनिंग होता है वो आपको डिफाइन करना है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ एटीट्यूड ऑफ एन ओंटोपिनियन ऑन के एटीट्यूड के आपको दो एग्जाम्पल बताने हैं उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है राइट द की डिफरेंसेस इन एटीट्यूड बिटवीन ऑनटोपिनियन एंड एम्प्लॉय डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल्स एक ऑन्टोपिनियन और एक एम्प्लॉय के एटीट्यूड में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आपको बताने हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको डिस्क्राइब करना है उसके बाद आज के सेशन से हमने क्या सीखा हमने सीखा एटीट्यूड क्या होता है एक ऑन्टोपिनियन और एम्प्लॉय के एटीट्यूड में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं कैसे जो अगर आप किसी स्ट्रेंजर से इंटरव्यू से इंटरव्यू uh, लेते हैं किसी स्ट्रेंजर का या ऑन्टरप्रीनियर का कैसे आपको कॉन्फिडेंटली बात करनी है कैसे आप इंटरव्यू ले सकते हैं कॉन्फिडेंटली टॉक टू स्ट्रेंजर्स वाइल इंटरव्यूइंग उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रेजेंट द डिफरेंसेस बिटवीन ऑन्टरप्रीनियर एंड एम्प्लॉय टू पीयर्स आप अपने पीयर ग्रुप के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं क्या डिफ्रेंसेज होते हैं ऑन्टरप्रीनियर्स के और एम्प्लॉय में तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा जो एक्टिविटी है वो आपको कंडक्ट करनी है दो लोगों से आपको बात करनी है एक जो ऐसा पर्सन जो खुद के लिए काम करता है सेल्फ एम्प्लॉयड है ऑन्टरप्रीनियर है और एक ऐसा पर्सन जो एम्प्लॉय है किसी और के लिए काम करता है आपको उनसे कुछ क्वेश्चन पुट करने हैं ये समझने की कोशिश करनी है कि उनके अंदर क्या क्या वैल्यूज है उनके एटीट्यूड में क्या क्या डिफरेंसेज हैं उसके बाद वो आपको नोट डाउन करने हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा अगर आज के सेशन से रिगार्डिंग कोई भी आपके डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर स्टे होम स्टे सेफ